मध्य प्रदेश में साल के अंत में एक बार फिर से मुख्यमंत्री शपथ समारोह होगा। अब कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, ये काल के गर्भ में छुपा हुआ है। अब सरकार बनाने की जद्दोजहद भी शुरू हो चुकी है। पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप के साथ दहाड़ लगा रहा है। लेकिन इन सबके बीच अचानक से लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने विपक्ष की ओर से सवाल किया है कि एमपी में काबा। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से मामा मैजिक करत है का जवाब भी आया, जो तेज तर्रार गायिका अनामिका जैन अंबर ने दिया है। आपको याद होगा कि ये दो गायिकाएं पहले यूपी में भिड़ी थी और यूपी के पूरे चुनाव में जनता इनके गानों के इर्द गिर्द घूमती रही। देश से लेकर विदेश तक नेहा और अंबिका की आवाज गूंजी। नेहा ने पूछा था यूपी में काबा, तो अनामिका ने बड़े ही बेबाक अंदाज में गाया था यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। पहले आप इन दो गानों को सुनिए और अपनी याद ताजा कीजिए। जोन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जोन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें ते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी, मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिट्टी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफन नोचे कुकुर बिलार बा। है बाबा काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार बा, यूपी में काबा। तो सुना आपने, यूपी में काबा, यूपी में बाबा। अब ये दोनों ही गायिकाएं मध्य प्रदेश में भिड़ चुकी हैं। जी हाँ, दरअसल कहा जा रहा है कि एमपी में कांग्रेस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर दांव खेला है और इसी के चलते नेहा सिंह राठौर ने गाना गाकर सवाल पूछा है कि एमपी में काबा, और इस गाने के जरिए कई आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए हैं। पहले सुनिए नेहा सिंह राठौर का एमपी में काबा। आपको क्या लगता है, सत्ता पक्ष चुप रहता? कतई नहीं। तुरंत ही इसका जवाब लोक गायिका अनामिका जैन अंबर ने अपने गीत के माध्यम से दिया। एमपी में मामा मैजिक करत हैं। गीत गाकर जितने सवाल नेहा सिंह ने खड़े किए थे, एक एक करके गाने की हर लाइन में अनामिका ने उनके खरे खरे जवाब दे दिए। तो अब अनामिका जैन अंबर को भी सुन लीजिए। भोली जनता के, भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है, जबकि जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है, काए काबा करत है, मोदी मैजिक करत है। कितई हो खूबी ना
खैर अब दोनों गायिकाओं के गानों की लॉन्चिंग के बाद ही पार्टियां सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने के काम में लग गई हैं। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को गाना जन जन तक पहुंचने का टास्क दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी मामा मैजिक करते हैं गाने को शेयर कर रही है और कांग्रेस एमपी में काबा की फैलाई कर रही है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि नेहा का जादू यूपी में फेल हो गया था और अनामिका का जवाब जनता को भा गया था। अब देखना ये होगा कि इन गायिकाओं की भिड़ंत एमपी में क्या रंग लाती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।